ये है ACN 24, आवाज बदलते छत्तीसगढ़ की। नमस्कार, ACN 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मुकेश शर्मा। चलिए नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। डॉक्टर अब्दुल कलाम आजाद की जयंती पर अवार्ड व गोष्ठी का गरिमामय आयोजन होटल ट्रिनिटी ग्रैंड में संपन्न हुआ, जहां रैगर दृष्टि सामाजिक संस्था व के फिल्म के बैनर के डायरेक्टर कमल शर्मा के अभिनव पहल से ऐतिहासिक एवं यादगार ढंग से उनकी जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। राज्य के इतिहास में पहली बार देश के महान वैज्ञानिक डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आजाद की जयंती की खुशी में रायगढ़ दृष्टि सामाजिक संस्था व के फिल्म्स बैनर के डायरेक्टर कमल शर्मा की अभिनव पहल से ऐतिहासिक एवं यादगार ढंग से उनकी जयंती पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। भारत के महान वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम के योगदान को देशवासी कभी नहीं भूल पाएंगे और भावी पीढ़ी को भी उनसे सदैव प्रेरणा मिलती रहेगी। उनके सम्मान में रायगढ़ में उनकी जयंती के अवसर पर 15 अक्टूबर को होटल ट्रिनिटी ग्रैंड्स में शाम 3 बजे से 6 बजे तक सांसद एवं शहर के विशिष्ट गणों की उपस्थिति में भव्यता के साथ आयोजित हुई। वैज्ञानिक डॉक्टर कलाम की जयंती की खुशी में उनके सम्मान में पहली बार शहर के बुद्धिजीवियों के विशेष उपस्थिति में गोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके अंतर्गत उनके संपूर्ण विराट व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला गया, ताकि समाज के भावी पीढ़ी को उनके नेक विचारों से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले। इस भव्य आयोजन के अंतर्गत डॉक्टर कलाम के सम्मान में शहर व जिले के विभिन्न विद्या से जुड़े हुए 25 शीर्ष विभूतियों को उपस्थित विशिष्ट गणों के सानिध्य में सम्मानित किया गया। वहीं जयंती गोष्ठी व अवार्ड सम्मान के आयोजन को भव्यता देने सामाजिक दृष्टि संस्था के सभी सदस्यों ने अपना अमूल्य योगदान दिया। हमारे देश के गर्व है, गर्व थे, गर्व हैं। आज उनका जन्म जयंती था, उनके जन्म जयंती के उपलक्ष्य में गोष्ठी कार्यक्रम रखे हुए हैं और हम लोग थोड़ा सा शामिल होने आई थी और उनका आशीर्वाद सदैव भारत देश को मिलते रहे, यही कामना करते हैं। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की आज जयंती है, उसके उपलक्ष्य में मैंने ये कार्यक्रम बहुत ही सोच समझ के किया है और ये बहुत मेरे मन में था कि मैं ये कार्यक्रम करूं और आज वो मूर्त रूप पूरा हुआ। रायगढ़ से कुछ R.K. त्रिवेदी जनरल स्कूल के प्राचार्य जी आए थे, उनके बारे में उन्होंने प्रकाश डाला और सारी बातें बताई APJ अब्दुल कलाम के लिए। एक बार मैंने अब्दुल कलाम जी साहब को मैंने लेटर लिखा था राजभवन में दिल्ली, उनका बहुत ही 10 दिन के अंदर उनका संदेश आया कि मैं लिखा था मुलाकात करूंगा और उन्होंने मेरी मुलाकात को स्वीकार करी और उन्होंने वहाँ के मुख्य सचिव ने लेटर लिखा कि कमल शर्मा जी आपका लेटर आया है और कलाम जी मिलेंगे आपसे, बहुत ही जल्द छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, वहाँ राजभवन में आपकी मुलाकात होगी। और मैंने उनको पूरे छत्तीसगढ़ के धार्मिक पर्यटन स्थल का एक एल्बम भेंट दिया, उन्होंने मुझे बहुत सम्मान दिया, बहुत तारीफ की फ़ोटो की और मैं उनका आभारी हूँ कि इतने कम समय में मुझे टाइम समय दिया और छत्तीसगढ़ में मेरी मुलाकात हुई, ये सबसे बड़ी बात है। मैंने उनको एक लेटर लिखा था पर्यटन धार्मिक के लिए कि यहाँ के पर्यटन धार्मिक का कुछ सुधार किया जाए, उन्होंने वो लेटर को पर्यटन मंत्री को दिया केंद्र के और उनके तरफ से उनको 5 करोड़ रुपए शासन को आया था उस समय 2004 में और पूरे पर्यटन के लिए, उस समय ये बहुत बड़ा फिगर था और बहुत मेरी बात को रखे और तुरंत उनके कहने पे ये काम हुआ। मुझे मैं उनके आभारी हूँ और इस सम्मान के लिए रायगढ़ के कुछ जो रायगढ़ जिले के अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सामाजिक संस्था है और पर्सनल स्वयं के बल पे काम कर रहे हैं, उनको मैंने 25 लोगों को सम्मानित किया है यहाँ, जो कि रायगढ़ के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वो सामाजिक संस्था है और शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, सारे क्षेत्रों में मैंने एक एक को चुना, सारे से सलाह लिया, मैंने पूरे चयन किया, उसके बाद ये कार्यक्रम हुआ। और मेरे सारे रायगढ़ जसपुर से प्रबल प्रताप जुदेव जी आए मेरे लिए, रायगढ़ की सांसद श्रीमती गोमती जी आई मेरे लिए इस कार्यक्रम में, उन्होंने बहुत आके, मैं उनका आभारी रहूँगा। और R.K. त्रिवेदी जिंदल स्कूल से आए, गुरपाल भल्ला जी आए, सब ने आके मेरी हौसला बढ़ाई इस कार्यक्रम के लिए, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम करते रहेंगे आप? हाँ, ये मैंने बहुत अच्छा सोचा है कि आने वाले हर वर्ष ये कार्यक्रम को मैं करूँगा और राजधानी रायपुर में भी करूँगा ये कार्यक्रम, क्योंकि अब्दुल कलाम जी का मेरे को इतना मैं बड़ा फैन हूँ कि उनके याद में मैं ये कार्यक्रम हर वर्ष करूँगा। आज का दिन एक बहुत अच्छा दिन है जिसमें हमारे भाई कमल शर्मा जी ने इतनी अच्छी गोष्ठी आयोजित की है
हमारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी की जयंती पर, और इस जयंती में हम लोगों ने सबने डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को याद किया। उनके जो दिखाए हुए मार्गदर्शन में हम काफ़ी प्रेरित हुए, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ हम लोगों को और सीखने को मिला बाकी वक्ताओं से। कमल शर्मा जी ने आज इस प्लेटफार्म में जो भी नगर के जो अच्छे लोग थे और जो सेलिब्रिटीज़ जो भी अच्छे काम किए थे, उन सबको इनने आज यहाँ पे एक अवार्ड दे करके और उनका मनोबल बढ़ाया, ये इनने एक बहुत अच्छा काम किया है। और मैं चाहूँगा कि कमल शर्मा जी से कि जैसा आज इनने किया है, इनकी याद पे हर साल यहाँ करते रहें, और ये बहुत अच्छा काम हुआ है। आज मेरा सम्मान हुआ, मुझे बहुत अच्छा लगा कमल जी ने मुझे यहाँ बुलाया था, और ऐसे ही बेटियों का सम्मान होते रहेगा तो वो और इनकरेज होंगी और आगे अपना अच्छा काम करने के लिए, तो मैं चाहूँगी कि ऐसा और होते रहना चाहिए। उनके बारे में जो बोले वो कम ही है, वो सबके लिए एक इंस्पिरेशन है, मेरी भी वो एक इंस्पिरेशन है, उन्हीं की सीख सीख के मैं आज इतने आगे आई हूँ। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, ACN 24।